देवास जिले के खातेगांव तहसील मुख्यालय पर खंड स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में किया गया। जी हां, शिविर में डॉक्टरों ने खंड के 500 से अधिक दिव्यांगों का परीक्षण किया। ऐसा पहली बार हुआ जब दिव्यांगनों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इतना ही नहीं, इस शिविर में पहुंचने वाले दिव्यांगों को भोजन भी उपलब्ध करवाया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा मंच पर दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही सरकार द्वारा आयोजित शिविर के उद्देश्य से आए सभी दिव्यांगों को अवगत करवाया गया। दिव्यांगजनों की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त प्रकार के दिव्यांगजन आशीर्वादी और मानसिक मेडिकल टीम द्वारा किया जाता है। उसके बाद उनके उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इन द्वारा उनके असेसमेंट उपकरण की आवश्यकता का असेसमेंट किया जाएगा, ताकि जिन दिव्यांग उपकरणों की आवश्यकता है उन्हें संस्था द्वारा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। और यहाँ पर हमारे विकास खंड जनपद स्तरीय टीम के द्वारा सभी दिव्यांगजनों के लिए तथा उनके साथ आए हुए लोगों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था भी कराई गई, ताकि शासन स्तर से प्रशासन की जो शासन की मांग और मंशा है उसका अनुरूप उन्हें सेवा उपलब्ध करा पाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग एवं जनपद और नगर पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में खातेगांव में दिव्यांग परीक्षण शिविर लगा है। हजारों की संख्या में यहां पर दिव्यांगजन आए हैं, जो कई आंखों से, सुनने से, पैरों से और मानसिक और बहुविकलांग दिव्यांग भी यहां पर आए हैं। इन सबका परीक्षण यहां पर कर रहे हैं। शासन के जो एलिम को विभाग है, जो उपकरण बनाती है बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उनके स्टाफ के लोग भी यहाँ पर आए हैं और ये जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए कृत्रिम अंग बनाने का काम करते हैं, वो भी यहाँ पर उनका परीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में परीक्षण उपरांत जब दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएंगे एवं जिनको भी किस उपकरण से चलने में, फिरने में, बोलने में सुगमता होगी, उन उपकरणों का प्रदाय भी हम आने वाले समय में इसी तरह का एक शिविर लगाकर करेंगे। निश्चित तौर पर दिव्यांगजन भी आसानी से जीवन जी सकते हैं, लेकिन भारत में जो एक भ्रांतियां हैं कि दिव्यांग होना एक अभिशाप है, भगवान दिव्यांग को अगर भेजता है तो वो उसके पाप कर्मों का नतीजा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार गर्भावस्था की विकृतियों के कारण और गर्भवती माता के ठीक से खान पान, रहन सहन नहीं कर पाने के कारण भी दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं, जन्म के समय विकृतियां लेकर पैदा होते हैं। लेकिन दिव्यांगजनों को भी जीने का अधिकार है, उन्हें प्रेम की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। गरीबी और अशिक्षा के कारण कई बार माता पिता उनकी चिंता नहीं कर पाते, लेकिन यदि इस तरह के शिविरों के माध्यम से उनको प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उपकरण प्राप्त हो जाए तो मुझे विश्वास है कि हम मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे और दिव्यांगजन भी अपने आप में थोड़े बहुत आत्मनिर्भर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।